तो हे गाइस, क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मूवी के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं ना, जो एक मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बना रहा है। और ये जो मूवी है ना, ये थिएटर में रिलीज नहीं होने वाली है। ये मूवी आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलने वाली है। और भाई, मूवी का नाम है द राइज ऑफ हनुमान। एक इंडिपेंडेंट दो तीन लोग इस मूवी को बना रहे हैं, सीधा हमें यूट्यूब पर देखने के लिए मिली। एक बहुत बड़ी बात है यार, यूट्यूबर्स के लिए तो एक बहुत बड़ी बात है। ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है और भाई, मतलब इतने बड़े टॉपिक पे मूवी बनाना है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये भी है भगवान पर ही रिलेटेड है, मतलब कि और भाई मैंने ना, और एक्चुअली मैंने इसको डिस्कवर किया जो रील्स है ना, रील्स पे मेरे को ये दिखी थी, मतलब छोटी सी एक क्लिप दिखी थी। तो यार, हमारा इसका जो टीजर है, इसको देखने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि यार, आदि पुरुष मूवी बनी हुई थी, वो भी हनुमान मतलब कि राम जी पर रिलेटेड हुई थी, और ये मूवी थोड़ी वैसे ही थोड़ी रिलेटेड। तो हम देखना चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंसान ने कैसी एक मूवी को बनाई है, और जो 600 करोड़ पर लगाकर जो मूवी बनी हुई है उसमें क्या डिफरेंस है। तो हम इसी चलो जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पे और करते हैं इस मूवी। चलो जल्दी जल्दी, तो चलो जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पे। 2 3 गो। शैली आर्ट हनुमान भाई साहब, जबरदस्त है यार। आदि पुरुष के मेकर्स को भेजो, बनाते हैं यार मूवी, जबरदस्त यार। और कमिंग सून ओनली ऑन यूट्यूब। और देखो, इसके अलावा हम आपको इसके मतलब इसमें देखो भाई, इसकी बात पहले बाद में करेंगे कि कैसा था, उससे पहले हम इनकी डिस्क्रिप्शन में जो चीजें लिखी हुई हैं वो बता देते हैं। तो इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है कि भाई देखो, जो ये जो ग्लिम्स है ये मूवी का जो टीजर है ना, इसको 4K क्वालिटी में देखिए, मतलब अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। तो भाई Watch it on the big screen of 4K quality if is possible। और ये जो ना शैडी आर्ट स्टूडियो, ये इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, मतलब और ये जो मूवी है ना,
पहली बार मतलब मूवी इस पे आने वाली है, यूट्यूब पे आने वाली है और उनको बनी हुई है और इस पे काम कर रहे हैं कौन से एक आई एम वर्किंग ऑन दिस मूवी विद द हेल्प ऑफ माई ब्रदर रिकी वत्स, मतलब ये दो भाई हैं शायद से, तो बिना मतलब बिना स्पॉन्सरशिप के बिना कुछ के और ये इस टाइप की मूवी बनाना। और यार ये जो लुक है ना, मैं आपको बता दूं इन्होंने अपने इसमें लिखा हुआ है पहले ही कि इनकी जो ये हनुमान जी की जो ये लुक है ना, ये पूरी लुक फाइनल नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ये लिखा थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर सपोर्टिंग, आई कांट एक्सप्लेन दैट द फीलिंग इन ग्रेटिट्यूड आफ्टर रीडिंग दिस ब्यूटीफुल कमेंट, यू गाइस आर द बेस्ट, कीप सपोर्टिंग, वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री टुगेदर, फिर दिस इज नॉट द फाइनल लुक, वेट फॉर इट द फाइनल ट्रेलर, यू विल लव इट यार। मतलब कि ये जो है ना ये फाइनल लुक नहीं है, मतलब इस पे आगे कंटिन्यू। और भाई इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद ना, इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद मुझे तो लगता है भाई ये तो तब भाई मचाने वाले यूट्यूब पे। और सही में ना जो ये टीजर है ये ओम रावत सर को भेजना चाहिए और भाई दिखाना चाहिए कि एक्चुअली मूवी, हम तो और कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ ये बोलेंगे कि यार सीखो, कुछ सीखो यार, अगर मूवी बनानी है तो ऐसी बनाओ। मतलब देखो ये 600-700 करोड़ में बनी हुई मूवी को, मतलब ओम रावत सर को ये टीजर भेजो और उनको दिखाओ कि एक्चुअली में हमारे 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 मतलब कैसे दिखते थे, मतलब उनके उन्होंने जैसे बनाया था ऑब्वियसली बात है, उनके उन्होंने मॉडर्नाइजेशन के लिए बनाया था वो चीजें यार। मॉडर्न चीजें जैसी हो जो मर्जी हो, लोग जितने भी मॉडर्न हो जाएं, पर जो अपनी इतिहास होता है, जो अपनी कहानी होती है, वो कभी मॉडर्न नहीं बनाया जा सकता यार। और भाई इसकी बात करें टीजर की तो भाई जबरदस्त ही है, तो सबसे पहले तो जो लुक को रिवील करने से पहले जय श्री राम बोल लगाना, पीछे से वो BGM आंखें दिखाना, सबसे पहले आंखों पर फोकस, फिर राम जी की स्टैचू दिखाना, और उसके बाद वो ऐसे झुकते यार जय श्री राम। और सबसे मेरे को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिंग लगा वो पानी के जो मॉन्स्टर्स थे ना स्टैचू, वो सबसे ज्यादा मतलब काफी अच्छे लग रहे थे यार, मतलब जबरदस्त। और अब तो भाई इंतजार ही है कि इस हनुमान मूवी के ट्रेलर कब आएगा यार। हाँ तो भाई आप सबका क्या ओपिनियन है, क्या ये जो ट्रेलर या टीजर था मतलब इसको भेजना चाहिए ना उमरावत, मेरा तो ओपिनियन है भाई भेजो और बताओ कि एक्चुअली जो बनती है ना मूवी वो ऐसे बनती है, पैसे से नहीं बनती है यार, इंसान में अंदर इच्छा होगी ना कि मैं करूंगा ना तो कर ही रहूंगा, बंदा इंडिपेंडेंट बना सकता है। इन लोगों ने वो कर भी एक होता है पैसों के लिए बनाई जाती है, वो ये होता है कि अपने भक्ति शो करना, कि आप अपनी भक्ति कैसे शो करते हैं, ये वो होता है यार, ऑब्वियस सी बात है। आप सबका क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो चलिए आज की गपशप यहीं पर खत्म करते हैं, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय और जय श्री राम जय श्री राम।